फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी। तो अभी हरियाणा के अंदर क्या है, जो परीक्षाओं का माहौल है, परीक्षाओं का जो मानसून है वो क्या है, आ चुका है। दोस्तों, हरियाणा के अंदर क्या है, अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये एक वीडियो नहीं, ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और चैनल के अंदर एक बार जाकर देखो भाई, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो है, बहुत मेहनत के साथ और बहुत कंटेंट को ढूंढ कर जो एग्जाम में आने वाले जो विषय हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, मेहनत के साथ जुट जाओ। जो CET की परीक्षा है वो भी क्या है, दिसंबर में होने के पूरे चांस हैं। तो जो CET की परीक्षा है वो पहली बार होगी, हम आपके लिए साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको रास्ता दिखाएंगे CET की परीक्षा कैसे आपको पास करनी है। CET का सिलेबस अगर आपको नहीं पता तो सिलेबस की वीडियो भी चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई PDF चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो हमारी सभी वीडियो की जो PDF है वो हमारे चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल हमारा जो ये YouTube चैनल है उसी नाम से है, तो आप वहां पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हरियाणा के किले, हरियाणा के किले। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, गोपालगिरी का किला कहां पर है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम के अंदर इस टॉपिक में से क्या है, क्वेश्चन लिया ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लगभग 10 या 12 किले हैं, इन सभी किलों को आप अच्छे से याद कर लो, आपका 1 मार्क्स कोई नहीं हटा सकता। गोपालगिरी का किला कहाँ पर है, गुरुग्राम में। रामगढ़ का किला कहाँ पर है, पंचकुला में। देखो दोस्तों, रामगढ़ का किला कहाँ पर है, पंचकुला में। रानीपुर का किला कहाँ पर है, पंचकुला। रानीपुर का किला कहां पर है, पंचकुला। और जो रामगढ़ का किला है वो भी कहां पर है, रामगढ़। और जो रानीपुर है उसका किला भी कहां पर है, पंचकुला में है। नेक्स्ट देखो, माधोगढ़ का किला, जो माधोगढ़ है ना उसका किला कहां पर है, महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, महेंद्रगढ़ का जो जिला है ना अपना, वो राजस्थान के साथ क्या है, लगभग ज्यादा सीमा बनाता है, इसी कारण क्या है वो थोड़ा सा रेतीला इलाका है। कानोड़ का किला, कानोड़ का किला भी कहां पर है दोस्तों, महेंद्रगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट देखो, गजपत सिंह का किला, गजपत सिंह का किला कहां पर है, करनाल के अंदर है। देखो दोस्तों, ऐसी ऐसी वीडियो बहुत सारी लेकर आएंगे हम आपके लिए, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है, 90 दिन का ऐसा कोर्स चला देंगे हम आपके लिए कि उसमें सभी सब्जेक्ट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप कंप्लीट रेगुलर वीडियो देखो, जो भी हम वीडियो डालते हैं आप उस वीडियो को कंप्लीट देखो और उस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखो, हम आपके साथ है। एग्जाम की तैयारी आपको करनी होगी, अगर आपको नौकरी पानी है, अपना भविष्य बनाना है, अपने माँ बाप को कष्टों से, उन अनेक समस्याओं से निकालना है, क्योंकि सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, चाहे उनका जीवन कैसा भी हो, लेकिन नौकरी एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन को सफल बना देगा। आपके माता पिता के जीवन में जो उन्होंने सपना देखा है कि मेरा बेटा नौकरी लगेगा, वो उनका सपना पूरा हो जाएगा। और एक नौकरी जब एक परिवार में किसी को मिलती है ना, तो उस परिवार का पूरा जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को देखो, मेहनत करो, मेहनत करोगे ना तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत से मत भागो, ठीक है, मेहनत करो। गजपत सिंह का किला कहां पर है, करनाल में। नेक्स्ट देखो, करण का किला, करण का किला कहां पर है, करनाल में। करनाल को क्या है, करण नगरी भी बोला करते थे पहले जमाने में। नेक्स्ट देखो, बुढ़िया का, सागोरी का और छछरौली का। बुढ़िया का, सागोरी का, छछरौली का, ये 3 किले हैं। ये तीनों किले कहां पर है, यमुना
नगर में। कहां पर है ये? यमुना नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह का किला कहां पर है? बल्लभगढ़ में है दोस्तों। नाहर सिंह क्या है? बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने क्या है भैया, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कावड़ू का किला कहां पर है? कावड़ू का जो किला है दोस्तों वो कहां पर है? सोहना में है। तावड़ू का किला कहां पर है दोस्तों? सोहना में। राजा सारस का किला कहां पर है? सिरसा में। दोस्तों यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हरियाणा जीके के ऐसे ऐसे टॉपिक करवाऊंगा जहां से क्या है एचएससी बहुत सारे क्वेश्चन को पिक करता है। राजा सारस का किला कौन सा है? सिरसा। माटिया का किला कौन सा है? पलवल। माटिया का किला कौन सा है दोस्तों? पलवल। तो ये कुछ 12, 15 या 16 के आसपास क्या है ये टोटल किले हैं। अगर आपने इन सभी को याद कर लिया तो दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और मैं दोबारा कहता हूँ मेहनत कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, एक बार आप अपने मेहनत में लग जाओ, आप अपने जीवन को खुद सुधार सकते हो। आपके जीवन को बनाने वाला कुछ कोई और नहीं है। आप अगर खुद अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास नहीं कर रहे, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि खुद आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति कुछ करना भी चाहेगा तो वो आपके काम कुछ भी नहीं आने वाला। खुद के लिए रास्ता बनाओ, खुद के लिए रास्ता बनाओ और वहां पर जो भी उस रास्ते पर आपको करना है, आपको जो भी उस रास्ते पर आगे बढ़ना है बढ़ते जाओ। और उस रास्ते पर चलना बढ़ना एक ही कारण हो सकता है, वो कारण है मेहनत का। मेहनत कर लो तो सब कुछ आपके पास है। हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।